नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीएसआर जून। मित्रों, जीवन में कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, ऐसी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं कि कोई अपना हमसे दूर जाने लगता है, हमसे दूर भागने लगता है, उसका प्यार हमारे प्रति कम हो जाता है। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, कोई साथी मित्र, कोई भी हो मित्रों, किसी के साथ भी ये समस्या हो सकती है। ऐसी किसी भी समस्या के समाधान के लिए, अपने दूर जाते हुए उस इंसान को वापस पाने के लिए और उसके मन में अपने प्रति प्यार जगाने के लिए, प्यार बनाए रखने के लिए मित्रों, बड़ा ही शक्तिशाली एक उपाय, एक टोटका आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे आप कर लें। वो जो कोई भी इंसान है, आपके बीच में कितना भी मनमुटाव हो, दूरियां हो, वो वापस आपके पास खिंचा चला आएगा। मात्र 15 मिनट के भीतर असर करने वाला ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली उपाय आप जिस किसी इंसान के लिए भी करेंगे, उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत, आपके लिए प्यार जगा देगा। मित्रों, उपाय को पूरे ध्यानपूर्वक अंत तक देखें, सुने व समझें। पूरे विश्वास, पूरे यकीन से जब आप इस उपाय को करेंगे, आपको 100% इसमें सफलता प्राप्त होगी। कुछ भी विशेष इस उपाय में आपने नहीं करना है। तीन शब्द, तीन अक्षर, इनका उच्चारण आपने इसमें कर लेना है और इसका प्रभाव आप देखें। सामने वाले के दिल तक आपकी तरंगें पहुंचेंगी, आपकी आवाज पहुंचेगी और वो आपके लिए बेचैन हो जाएगा, तड़प उठेगा। आपने ये उपाय किसी भी दिन कर लेना है। प्रातः स्नान के पश्चात, स्नान ना कर सकते हो, हाथ मुंह पैर अपने अच्छे से धोएं, एक स्थान पर बैठ जाएं, दिशा बैठने की अपनी पूर्व की रखेंगे, जिस ओर से सूर्य उदय होता है उस ओर मुख करके आप बैठेंगे। आपने अपने उल्टे हाथ पर हरे रंग के स्केच पेन, पेन मार्कर, यानी हरी स्याही वाली कोई भी वस्तु लें, कोई अन्य ना लें। उस पर आपने, जैसे कि वीडियो में तीन अक्षर दिखाई दिए, वो आपने लिख लेने। शंग श्री नांग, शंग श्री नांग, ये तीन अक्षर आपने अलग अलग लिखने हैं। थोड़ा सा अंतर दें, अलग अलग लिखें। श्रीं के ठीक नीचे आपने उस इंसान के नाम का पहला अक्षर लिखना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। मात्रा नहीं लगानी है उसमें, आपने इस बात का ध्यान रखना। अब आपने क्या करना है, पेन, स्केच पेन जो भी है उसे आप एक तरफ रख दें। अपने हाथ की तर्जनी उंगली, जो इंडेक्स फिंगर होती है, अंगूठे के साथ वाली उंगली, सीधे हाथ की, वो उस पर रख देनी है। कहाँ पर? जहाँ पर आपने श्रींग लिखा है, आपने श्रींग के ऊपर रखनी है। इधर उधर शंग और नांग के संग छुल रही है, कोई परेशानी की बात नहीं है। इस बस आप अपने हिसाब से उसको श्रींग पर रखेंगे और उसके बाद इन तीन शब्दों का 12 बार उच्चारण करेंगे। शंग श्रीं नांग, शंग श्रीं नांग, शंग श्रीं नांग, इस प्रकार से आपने 12 बार इसे बोलना है, इसे उच्चारित करना है और उस इंसान को सोचना है, विचारना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी इस हथेली पर लिखे हुए शब्द लिखे रहने देने हैं, ये अक्षर लिखे रहने देने हैं। उस स्थान से आप खड़े हो जाएं, जो भी सामग्री है उसे समेट लें। रात सोने के पहले आपने ये अपने शब्द जो आपके हाथ में, जो अक्षर आपके हाथ में लिखे हुए हैं, इन्हें धो लेना है, साफ कर देना है, ये आपने करना है। और जब आप इसे धोएंगे, साफ करेंगे, उस व्यक्ति को सोचेंगे फिर से जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, तब इसे हटाएं और उसके बाद देखें किस प्रकार से उस इंसान के मन में आपके प्रति प्रेम दोबारा उमड़ पड़ेगा और वो इंसान वापस आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। तो मित्रों, ये है उपाय, इसे यदि आप करते हैं तो आप किसी भी अपने को वापस पा सकते हैं। वीडियो की समाप्ति से पहले अनुरोध है मित्रों कि वीडियो यदि पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अब दयाज्ञा, फिर मुलाकात होगी मित्रों अगली वीडियो में एक ऐसे ही बहुत ही शक्तिशाली उपाय के साथ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार।